राजधानी देहरादून में जहां एक और मुख्यमंत्री द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात की जा रही है और इसके चलते कई जगह पर नेशनल हाईवे द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहां पर बनी सड़क पर भी सड़क निर्माण कराया जा रहा है। राजधानी देहरादून में जहां एक और मुख्यमंत्री द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात की जा रही है, जहां पहले से ही सड़क सही सलामत है उस पर भी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। दूसरी ओर जो सड़क 1 इंच मोटी डालकर भी काम हो सकता है, वह सड़क पर लगभग 4 से 5 इंच मोटी परतें चढ़ाई जा रही हैं, जो कि किसी भी हिसाब से सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ बिल्डरों द्वारा मानकों को ताक पर रखकर सरकारी नालियों को भी अपने हिसाब से 1 फीट ऊपर निर्माण कर वहां पर रैंप डाल दिए गए हैं, जो जल भराव के लिए काफी है, क्योंकि बिल्डरों द्वारा नाली को ऊपर चढ़ाकर और सड़क जो सरकारी है उस पर डालकर कब्जा किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी में अधिकारियों का हाथ है। बिल्कुल 100% अधिकारियों के बिना मर्जी के ये काम नहीं हो रहा है। ये सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं, बड़े नेताओं को मिसगाइड कर रहे हैं, बड़े जो और दूसरे IAS अधिकारी जो जिस डिपार्टमेंट को देखने वाले हैं वे सबको जो सही बात नहीं बता रहे। मैं इस संबंध में मुख्य सचिव साहब से मिलूंगा, मुझे पता है कि मुख्य सचिव इस पर जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। क्यों सड़कें बनाए, बनी बनाई सड़कों क्या मतलब बनाने का? ये पहले तो अगर ये पैसा फालतू है तो इस पैसे को पहाड़ के विकास में लगा सकते हैं, आप देहात में लगा सकते हैं। 50 जगह हैं पैसा खर्च करने के लिए, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ खर्च किएगा।